गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने क्रैश कोर्स शुरू कर दिया था और हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया जिसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अब हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 है। वो भी मेंस या नीट के बिहार पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम फिलहाल पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है भैया? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे हम उनमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे पुट करते हैं, उन्हें कैसे सजाया जाता है, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, उनका वेट क्या होता है, ठीक, ये सब डिस्कस करने वाले हैं हम इस चैप्टर में, ठीक है। अभी फिलहाल देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स ने क्या कहा था एटॉमिक एटम्स के बारे में? उन्होंने सबसे पहला थ्योरी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए उन्होंने ही दिया था, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं पहले डाल्टन्स ने क्या कहा भैया। देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डाल्टन्स ने क्या कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल फ्रॉम विच matters are made up of। अब क्या भैया? डाल्टन ने कहा कि एटम ही वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे मैटर मिलके बना है, ठीक है, जिससे मैटर मिलके बना है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा उन्होंने बोला एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। अब यहां डाल्टन ने बोल दिया कि भैया एटम से छोटा नहीं कोई है, एटम ही सबसे छोटा है, एटम से छोटा कोई नहीं है, मिलेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए भैया इन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल दी। अब क्या है ना कि कुछ साइंटिस्ट का दिमाग हो गया खराब कि कैसे इन्होंने थ्योरी दे दिया। अब उन्होंने क्या किया ना कि अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। जो साइंटिस्ट पागल हो गए थे उन्होंने क्या की, इलेक्ट्रॉन की खोज की, प्रोटॉन की खोज की, ठीक, न्यूट्रॉन की खोज की, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। फिलहाल आप इसको देखिए, अब हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि पहला एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट हुआ फैराडे के वजह से, हेनरी फैराडे ने किया। किसके लिए किया? वो तो भैया चेक कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी को गैस के थ्रू कैसे पास कराया जाए। वो चेक कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी को गैस के थ्रू कैसे पास कराया जाए। वो चाह रहे थे कि जैसे जो बड़ी बड़ी बिजली की तारें लगी होती हैं वो ना लगे और एक सोर्स से दूसरे सोर्स पर एनर्जी, मतलब बिजली को हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करें बिना किसी मीडियम मटेरियल के, थ्रू एयर करें, ठीक। वो उसी का प्रैक्टिस का मतलब उसी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन ये उनको कंक्लूजन मिला। तो डिस्कवरी कैसे हुई एटम की, देखिए उन्होंने क्या किया ना, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है भैया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, एक तरफ पॉजिटिव वाला लगा दिया, एक तरफ एक प्लेट, दोनों में दो तरफ दो मेटल प्लेट लगा दिए, ठीक है, दो तरफ दो मेटल प्लेट लगा दिए, ठीक है, दो तरफ दो मेटल प्लेट लगा दिए, और क्या किए, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब क्या किए, यहां पे एक वैक्यूम पंप लगा दिए, ठीक है, वहां पे एक वैक्यूम पंप लगा दिए, ठीक। अब जब वैक्यूम पंप लगाए तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ये पूरा वैक्यूम है ये पूरा, ठीक है, ये क्या है, वैक्यूम पंप है, ये क्या है, नेगेटिव है, कैथोड है, ये क्या है, पॉजिटिव है, एनोड है। भैया केमिस्ट्री में उल्टा है, जो पॉजिटिव है वो क्या है, एनोड है, जो नेगेटिव वो क्या है, कैथोड है। चलिए भैया उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया,
कि यहां से कुछ चीजें जा रही हैं, ठीक है, जा रही हैं, इस पे स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक है, सॉरी, यहां से जा रही हैं, इस पे स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक है। अब वो स्ट्राइक कर रही हैं तो आवाज पता चल रहा है कि भैया हाँ स्ट्राइक हो रहा है, ठीक। अब उन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया। अब क्या किया ना कि इस प्लेट में छोटे छोटे क्या किए, छेद कर दिए, क्या किए, छोटे छोटे छेद कर दिए, ठीक है, थोड़ा डिजाइनदार बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट लगा दिया जो चमकता था, स्ट्राइक अभी इस पे कुछ लड़े तो ये क्या करता था भैया, चमकता था, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट लगा दिया, इस फ्लोरेसेंट, ठीक है। अब क्या हुआ, जब यहां से रेस चली, ठीक है, कौन सी रेस चली, कैथोड रेस, ठीक है, कैथोड रेस चली, कौन सी रेस चली, कैथोड रेस, कैथोड रेस चली, ठीक है। क्या है, कैथोड से चल रही है तो जो रेस कैथोड से चलेंगे, कैथोड से जो एनोड से चलेंगे, एनोड से, एनोड रेस। अब ये कुछ चीजें इस पे स्ट्राइक कर रही थी और कुछ इस होल से होके रेस बाहर जा रही थी और इस पे टकरा रही थी, ठीक है, इस पे टकरा रही थी, तो मतलब कुछ ना कुछ मास है इसके पास, टकरा रही है तो लाइटनिंग कर रहा था, ठीक है। इस का नाम था ग्लोइंग सब्सटेंस, क्या था पता है, फ्लोरेंस, फ्लोरेसेंट की कोटिंग कर दी। अब यहां पे स्ट्राइक कर तो ये चमक रहा था, तब उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि भैया जो कैथोड रेज है वो इधर जा रही है, तो यानी वो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो क्या नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज। अब क्या किए भैया, यहाँ पे फ्लोरेसेंट की कोटिंग हो गई, ठीक है। अब जो रेज नेगेटिव से चलेंगी पॉजिटिव की तरफ तो किस तरह का चार्ज होगा, बस नेगेटिव ही होगा, क्योंकि नेगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उनको बचा नेगेटिवली चार्ज है, उनको ये पता चला कि नेगेटिवली चार्ज है, उनके पास कुछ मास भी है मास, ठीक है, कुछ मास भी है उनके पास, ठीक है। अब जब उनके पास मास भी है तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे क्या निकाला, चार्ज टू मास रेशियो निकाला, क्या निकाला भैया, चार्ज टू मास रेशियो, और ये किसके इक्वल आया, 1.75 × 10^11 केजी पर कुलाम, केजी पर कुलाम, ठीक है, सॉरी केजी पर कुलाम नहीं, कुलाम पर केजी आया, ठीक है भैया, कुलाम पर केजी निकल गया इनका, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में मास तो हमें E/क्या चार्ज टू मास रेशियो, अब क्या E/m तो हमें पता चल गया, ठीक है, लेकिन अब क्या है उसका मास निकाला जाए या चार्ज निकाला, तब तो दोनों में इसको एक वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। तो अगला क्या किया गया ना कि E की वैल्यू फाइंड की गई, क्या की गई भैया, उसका चार्ज निकाला गया, कैसे निकाला गया, देखिए क्या किया गया ना कि एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या किया गया भैया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, ये सब समझने वाली चीजें हैं, बाकी सब आपके बुक में लिखा हुआ है, एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसका चार्ज टू मास रेशियो पता चल गया, ठीक है, मिलिकन्स, ठीक है। चलिए भाई देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, अब हमें क्या पता लगाना भैया, देखिए, ठीक है, यहां पे एक होल था जिससे क्या दे रही थी, एक्स रेज डाली जा रही थी, ठीक है, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब क्या हो रहा था ना कि यहां से एक पंप में ठीक है, ऑयल को ना क्या फुहारे की तरह, जैसे ओस पड़ता है ना वैसे ओस की तरह इसके अंदर डाला गया, जब इसके अंदर डाला गया तो वो रेस की ऑयल ड्रॉपलेट्स कैसे आए, इसके अंदर आए ऑयल ड्रॉपलेट्स। अब यहां से अल्फा पार्टिकल को इसके अंदर भेजा गया, अल्फा पार्टिकल को इसके अंदर भेजा गया, इस ऑयल ड्रॉपलेट ऑयल से क्या हुआ, वो क्या हुआ, लड़ा, जब उसको एनर्जी मिली, लड़ने पे क्या होते, एनर्जी ट्रांसफर हुई तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो नेगेटिवली चार्ज होता, क्या हुआ, इस पे जाके क्या हुआ, अटैच हो गया, इस पे चिपक गया, ठीक है।
क्या हुआ, इस पे चिपक गया। जब इस पे चिपक गया तो भैया ये तो कंफर्म है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब उसका इलेक्ट्रॉन टू मास, इसी एक्सपेरिमेंट से उसका इलेक्ट्रॉन टू मास सॉरी चार्ज टू मास रेशियो निकाल दिया गया, जो आया 1.75 × 10^11 कूलाम पर केजी, कूलाम पर केजी आ गया, ठीक है भैया। ये हमको इससे मिल गया, ठीक है। अब क्या किया गया, चार्ज निकाला गया इस वाले एक्सपेरिमेंट से, उसकी चार्ज निकाली गई। E by M की वैल्यू तो पहले निकल चुकी थी, अब चार्ज निकाला गया। तो चार्ज कितना आया पता है क्या भैया, देखिए कितना आया है, 1.6022 × 10^22 कूलाम्स आया, ठीक है। कितना है, 10^22 कूलाम्स आया, सॉरी 10^-19 कूलाम आया, सॉरी -19 कूलाम आ गया। जब ये पता चल गया तो M की वैल्यू आ गई, M की वैल्यू क्या आई भैया, देखिए M की वैल्यू क्या आई, 9.10 × 10^-31 केजी आ गया। आ गया क्या भैया, इसका आ गया एक चीज पता चल गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन है, लोगों को ये पता चल गया कि भैया इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन है तो कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल उसको करने के लिए उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। अगर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक। तो फिर से एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या हुआ, फिर से एक्सपेरिमेंट हुआ और अब पता लगाया गया कि हाँ भैया पॉजिटिव चार्ज वाला भी होता है, क्या होता है उसको प्रोटॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटॉन बोलते हैं। चलिए भैया प्रोटॉन के बारे में देख लिया जाए। अब क्या किया गया भैया, पहले क्या किया जा रहा था, एनोड से जा रही थी रेस, कहां से जा रही थी, कैथोड से जा रही थी ना शायद, देखिए हाँ कैथोड से जा रही थी रेस, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब एनोड से रेस जा रही है और फ्लोरेसेंट यहां पे लगा हुआ है, ठीक है, फ्लोरेसेंट यहां पे लगा हुआ है। तो अब एनोड रेस से क्या पता चला, एनोड रेस से क्या पता चला कि हाँ भैया एक पॉजिटिव चार्ज मास भी होता है, पॉजिटिव चार्ज मास भी होता है इसके पास, जिसको हम क्या बोल दिए, प्रोटॉन बोल दिए। अब प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशियो कितना आ गया भैया, देखिए चार्ज टू मास रेशियो आ गया 9.58 × 10^7 कूलाम, 7 कूलाम पर केजी आ गया, ठीक है। इसका मास कितना आ गया भैया, देखिए इसका अब क्या है, चार्ज हमने निकाल दिया, हमने चार्ज की वैल्यू निकाल दी, चार्ज कितना आ गया 1.602 × 10^19 कूलाम आ गया, क्या आ गया 19 कूलाम आ गया। तो मास की वैल्यू कितनी आ गई भैया, देखिए मास की वैल्यू आ गई 1.67 × 10^-27 केजी आ गया। आ गया क्या भैया, जब मास पता चल गया चार्ज पता चल गया, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि भैया इसको कैसे सजाया जाए, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज को देखा गया, ठीक है, अब क्या किया गया, हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया, हमें प्रोटॉन मिल गया। अब जब हमें दो चीज मिल गई एटम के अंदर, ठीक है, अब उसको अंदर एटम के सजाना था, ठीक है। तो भैया थॉमसन आए, थॉमसन क्या बोले, भैया लो हमारे पास एक क्या है, एक बढ़िया सा डायग्राम है, उससे तुम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सजा दो, ठीक। चलिए भैया सजाते हैं, देखते हैं। अब भैया आए थॉमसन, बोले कि भैया एक जैसे तरबूज में जो उसका रेडिश पार्ट होता है, जो उसका फूड होता है, जो खाने लायक पार्ट होता है, वो पूरे पार्ट में बिखरा होता है, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज भी हर जगह पूरा बिखरा होता है, ठीक है। ये पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है हर जगह, ठीक है, और नेगेटिव क्या होता है, बीज की तरह इसके बीच में पड़ा होता है हर जगह, ठीक है। ठीक है, इसके बीच में कहीं पड़ा रहता है हमेशा, ठीक है। चलिए भैया जब इन्होंने ये थ्योरी रखी तो अब साइंटिस्ट भैया घबरा गए, भैया ऐसा तो नहीं होता है। अब उन्होंने उनसे सवाल पूछना शुरू किया, ठीक है। ठीक है भैया, उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया तो सवाल तो उन्होंने सबका जवाब दे दिया, ठीक है। लेकिन क्या था, रदरफोर्ड जो थे, रदरफोर्ड थोड़े से खुरपाती दिमाग के थे वो, और उनके दो स्टूडेंट और थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया ना, एक रदरफोर्ड
स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, थॉमसन ने तो ये बता दिया, ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या किया, एक पतली सी गोल्ड की शीट ले ली, ठीक है, एक पतली सी गोल्ड की शीट ले ली और क्या किया, यहां से अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने भेजे, ये क्या है, अल्फा सोर्स है, अल्फा पार्टिकल सोर्स, अब यहां से जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अब जब गोल्ड पे टकरा रहे हैं ना अल्फा पार्टिकल्स, गोल्ड पे टकरा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, तो क्या हो रहा है भैया, देखिए क्या हो रहा है, देखिए अब गोल्ड की स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखिए अगर उसको 3D का टाइप बनाया जाए तो कुछ ऐसा आएगा, क्या क्या हुआ भैया, देखिए सजा रहता है ना, ठीक है भैया, देखिए अब जब अल्फा रेज यहां से गुजरे ना, जब अल्फा रेज यहां से गुजरे हैं तो क्या हुआ, देखिए जो रेज यहां से जा रही थी कुछ तो सीधी निकल गई, कुछ क्या हुई, अपने ही पाथ को वापस ट्रेस कर ली, ठीक, कुछ क्या हुई 90 डिग्री मुड़ गई, कुछ क्या 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ गई, कुछ 90 डिग्री से कम मुड़ी, ठीक है, लेकिन अपना पाथ क्या की डेविएट कर दी, बाकी सब क्या था सीधी सीधी चली गई, ठीक है, तब क्या उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या कहा कि भैया देखिए इसके एटम के बीच में कुछ ना कुछ होता है जो कि बहुत ठोस होता है, ठीक, जो कि बहुत ठोस होता है, क्योंकि पार्टिकल टकरा के वापस जा रही है तो यानी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा, ठीक, तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि भैया ये जो बीच में है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं और इसके साइड साइड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, इस न्यूक्लियस में क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, इसी न्यूक्लियस में क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेंगे, जितने प्रोटॉन हैं सब इसके अंदर रहेंगे और जितने इलेक्ट्रॉन है इस प्रोटॉन के इर्द गिर्द घूमेंगे, भैया जब उन्होंने ऐसा बोला, ठीक, पहले तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि भैया अगर ऐसा जो पार्टिकल्स हमारे मुड़ जा रहे हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ है, तो थॉमसन ने उन्होंने पूछा कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो थॉमसन उस चीज का जवाब नहीं दे पाए, तो फिर रदरफोर्ड ने अपना ही एक मॉडल दिया, ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अब उन्होंने क्या बोला कि भैया बीच में एक न्यूक्लियस है जिसमें क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, इसमें क्या रहता है, प्रोटॉन्स रहेंगे, ठीक है, और बाकी जो एटम इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी सेल के क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, अब जब इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व कर रहा है तो उन्होंने क्या गलती कर दी, उन्होंने बोला कि भैया देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एक्सीलरेशन बढ़ेगी और क्या होगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, अब भैया अगर आपके पास 20 लाख रुपए है, ठीक, मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड है, घर से 2 लाख रुपए लेके भाग गया, अब क्या हुआ, जैसे जैसे घूम रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसका पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, वैसे वैसे उसका पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन जब उसका पूरा पैसा खर्च हो जाएगा क्या होगा, पूरा पैसा खर्च हो गया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, अब अगर यहां से शुरू किया रिवॉल्व करना तो उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, तो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के पास आ रहा है, उसका रेडियस छोटा होते जा रहा है, अब जब वो करेगा क्या करेगा, फिर न्यूक्लियस पे आके डंप्ट कर जाएगा, गिर जाएगा, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम खत्म हो जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, आके गिर जा रहा है न्यूक्लियस पे, तो क्या हो रहा है, एटम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जब एक एक एटम ऐसे ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ये जो बोर्ड ऐसे रखा हुआ ये ऐसे नहीं रखा पाता, ये जो बिल्डिंग ऐसे बनी है ऐसे नहीं रखा पाती, ठीक है, ये क्या, ये मार्कर जो है ये क्या ऐसे नहीं रह पाता, क्या होता, अब तक टूट गया होता, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक, तो क्या हुआ यहां रदरफोर्ड का भी हो गया खत्म, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया ना तो पाया गया कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक
मास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से देखा गया कि अगर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन का मास कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। कार्बन का मास कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन का 1 है तो हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। लेकिन लेकिन भैया क्या हुआ, जब कार्बन का मास निकाला गया ना तो वो 6 टाइम्स तो नहीं था, वो 6 टाइम्स नहीं था, लेकिन कितना टाइम्स था, 12 टाइम्स था। भैया जब 6 गुना ना हो कि 12 गुना हो गया, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हाँ भैया कि अगर हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, तो उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो उसके साथ कोई और न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल पार्टिकल है जो कि क्या करता है, इस मास में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। तो साइंटिस्ट ने वहां से सोचा कि हाँ भैया एक मास और होता है जिसका नाम होता है, जेम्स चैडविक ने बोला, ये क्या बोला कि हाँ भैया एक न्यूट्रॉन भी होता है जिसका चार्ज तो न्यूट्रल होता है लेकिन क्या होता है, मास प्रोटॉन के बराबर होता है। मास क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ भैया, देखिए अब आ गए हमारे इसमें बोर्स भैया। बोर्स भैया ने बोला कि हाँ भैया ये बात सही है और अब हम अपना एटॉमिक मॉडल आपके सामने रखते हैं। देखिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है और उसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं प्लस प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं प्लस प्रोटॉन होते हैं, और ये क्या है, एनर्जी शेल है। ये क्या है, एनर्जी शेल है, और इस सेल का एनर्जी क्या रहता है, फिक्स रहता है। इस सेल का एनर्जी क्या रहेगा भैया, फिक्स रहेगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन इस वाले एनर्जी सेल में रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपना एनर्जी रिवॉल्व एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा बल्कि उसी एनर्जी से घूमता रहेगा, हमेशा के लिए घूमता रहेगा, ठीक है। और एक सेल की एनर्जी कितना होगी ये किससे डिसाइड होता है भैया, उन्होंने फॉर्मूला भी दिया, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या था, ठीक है भैया, यानी वो रिवॉल्व करता रहेगा इसी इलेक्ट्रो इसी पाथ में, क्या करता है, स्पेक्ट्रम शो करता है, ठीक है भैया। इसको देखिए थोड़ा हम बताते हैं फिर। अब भैया उन्होंने क्या बोला कि इसमें एक सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे जितना सेल की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर ये फर्स्ट सेल है तो एन की वैल्यू क्या हो गई भैया, 1 हो गई। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 2। अगर यहाँ पे 2 रखे तो कितना आता, 8 आता क्या भैया। ऐसी वैल्यू रखते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सेल्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सेल्स में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि हमने भैया थॉमसन ने भी इनसे पूछा कि रदरफोर्ड ने पूछा कि भैया ये इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है, इसकी एनर्जी रेडिएट होगी तो ये इस पे आके क्यों नहीं गिरेगा। तो उन्होंने बोला नहीं भैया एनर्जी नहीं रेडिएट होगी, जैसे हमारे सन के तरफ, सन के इर्द गिर्द अर्थ घूमता है एटॉमिक क्या बोलते हैं उसको, ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से वो क्या होता है, बाउंडेड होता है कि अर्थ के मतलब मून पे या सन पे जाके नहीं गिरता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में क्या होगा, एक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा जो इसको इस पे जाके गिरने नहीं देगा, ठीक है भैया। अब चलिए ये कॉन्सेप्ट तो हमको समझ में आ गया। अब इसके बाद ना आगे बढ़ने से पहले हम दो तीन चीजें और हैं जो जान लेते हैं, जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार। एटॉमिक नंबर क्या होता है भैया, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मास नंबर क्या होता है भैया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है भैया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब आइसोटोप और आइसोबार क्या होते हैं भैया, आइसोटोप और आइसोबार क्या होते हैं, देखिए है।
अब क्या होता है आइसोटोप और आइसोबार क्या होते हैं भैया? देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं, द एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है भैया, डिफरेंट मास नंबर। अब क्या भैया आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स क्या होते हैं भैया? देखिए क्या होते हैं, द एटम्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है भैया, ये इतना हो गया। ठीक है, चलिए उसको नोट करिए। चलिए भैया, अब क्या हुआ ना, जब इतनी कहानी खत्म हो गई, इतनी कहानी जब खत्म हो गई तो पता चला पार्टिकल्स का क्या होता है, वेव नेचर भी होता है। पार्टिकल्स का वेव नेचर भी होता है। तब क्या बोलते हैं कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल्स है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, और अगर कोई वेव यहां से जा रही है, ठीक है, तो क्या करेगी, एक समय ऐसा आएगा कि ये पार्टिकल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ये पार्टिकल पूरी तरह से ऊपर जाएगा और एक तरफ पूरा नीचे आएगा। अगर मान लो ये ए ऊपर गया तो ए नीचे भी आएगा। ठीक है, तो क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है। ये क्या करता है, पार्टिकल वाइब्रेट करता है। अब किसी पॉन्ड में पत्थर मारिए तो वेव कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो अब अगर हम इस पॉइंट को ले लें, इस पॉइंट को, तो यहां का पार्टिकल क्या करेगा, ये पूरा इतना ऊपर जाएगा और इतना ही नीचे भी जाएगा। क्या करेगा, इतना ही नीचे भी जाएगा, है ना। ये पार्टिकल जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे जाएगा। ये पार्टिकल बीच में, अभी ये पार्टिकल देखिए मीन पोजीशन पे है अपने, ठीक है, ये ऊपर जाएगा इतना, ये इतना नीचे भी आएगा। ये पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये इतना नीचे जाएगा फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसी को वाइब्रेशन क्या बोलते हैं, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल बोल दिया गया। ठीक है, अब क्या है ना कि वेव नेचर क्या मतलब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला गया। अब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलने का क्या मतलब है भैया, देखिए जरा, बोला जा रहा कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक वेव भी हो और मैग्नेटिक वेव भी हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेव भी हो और मैग्नेटिक वेव भी हो। क्या हो भैया, इलेक्ट्रिक वेव भी हो और मैग्नेटिक वेव भी हो। ठीक है, अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक वेव है देखिए, और क्या होता है, ये मैग्नेटिक वेव के क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है भैया, इलेक्ट्रिक वेव इस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, जब ये मैग्नेटिक वेव की परपेंडिकुलर है, ये दोनों साथ में चलते हैं बिल्कुल ऐसे। अगर एक ऐसे ऐसे चल रहा है तो एक क्या करेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। क्या कर रहे हैं भैया, देखिए इसी डायरेक्शन में एक ऐसे ऐसे चलेगा और एक ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब इस वाली पोजीशन को पता क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। इसी तरह इसमें भी क्या होगा, ये ट्रफ होगा और ये क्रस्ट होगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना ऊपर जा रहा है, सो क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोल देंगे, और नीचे जा रहा है, ट्रफ बोल देंगे। ठीक है, ट्रफ बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब क्या हुआ भैया, मैक्सवेल ने इसको और डीप स्टडी किया, मैक्सवेल ने इसको और डीप स्टडी किया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया कि जो जिनका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, तो उस पर क्या किया उन्होंने, एक स्पेक्ट्रम बनाया, उसमें एक्स रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ठीक है, सारे जितने रेज आते हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, सब इसी में डाल दिया।
वो स्पेक्ट्रम आपकी एनसीईआरटी बुक में भी होगा या फिर कोई और साइड बुक होगा तो उसमें भी होगा, पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या भैया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बोला गया है कि एक बॉडी जो परफेक्टली रेडिएशन को क्या करे, एब्जॉर्ब करे और परफेक्टली रेडिएशन को क्या करे, इमिट करे। परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमिटर इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, ठीक है। परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमिटर इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब क्या है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन करेगी उसे क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है भैया, अगला है हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, नहीं क्या है भैया, हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देख लीजिए भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बोला गया है कि जब भी किसी मेटल पे एक लाइट की इंटेंसिटी क्या होगा, उसका फिक्स्ड होगा, कोई एक फिक्स्ड इंटेंसिटी पे अगर लाइट गिराया जाए तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टुपुक करके बाहर निकलेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट होगा, तो जहां जहां लाइट पड़ेगा वहां वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए बाकी 3-4 टॉपिक और बच गए हैं, ये पढ़ाएंगे अगले क्लास में। फिलहाल जितना पढ़ाया एक बार उसको रिविजन कर लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आए उसको एक बार हमसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको देखते हैं, चलिए।